टॉकिंग अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया, आप अभी तक हम लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके इम्पैक्ट क्या थे इंडिया पर, ये सब देख लिए, अभी इसमें कुछ डाउट नहीं है ना, क्लियर एकदम। अब आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अंडरलाइन इट, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग 1945 CE. इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन द वॉर एपिसोड हैपनिंग इन नॉर्थ अफ्रीका। देखो अभी ये सब जगह के नाम अंडरलाइन करो कि इंडिया जो है वर्ल्ड वॉर टू में कौन कौन सी जगहों पर था। नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, इराक, ईरान, ग्रीस, म्यांमार एंड माल्या। हाउएवर इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिहैबिलिटेशन ऑफ माल्या, इंडोनेशिया एंड चाइना आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। इंडिया ये सब जगह से वॉर भी कर रहा था, फिर जब रिहैबिलिटेशन का टाइम है, मतलब उनको जब रिप्रोड्यूस करने का टाइम है एक तरह से बोल दो, वॉर के बाद जब सब खत्म हो गया, फिर से एक बार नई शुरुआत जो रही थी, उसमें भी इंडिया ने हेल्प की इन कंट्रीज़ की। कौन कौन सी? माल्या, इंडोनेशिया एंड चाइना। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, इंडियंस इन द एयर फोर्स ब्रिटिश इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द वॉर एट असम एंड म्यांमार। अब क्या हुआ कि जब ये सब, तो अभी क्या बता रहे हैं कि इंडिया कौन कौन सी जगह पर वॉर करा और किसकी किसकी हेल्प की, देन इंडियंस इन द एयर फोर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि अभी ब्रिटिशर्स का भी रूल ख़त्म तो हुआ नहीं है, तो जो ब्रिटिश इंडिया की एयरफोर्स थी उसमें इंडियंस से पार्टिसिपेट किया। कौन सी वॉर थी वो? आसाम एंड म्यांमार को लेकर थी। म्यांमार के बारे में हम लोग ने पढ़े हैं ना पहले भी, तो ये इंडियन एयरफोर्स, अब ब्रिटिश एयरफोर्स है एक्चुअली, बट वो ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स क्यों? क्योंकि अभी इंडियन की कॉलोनी में है ब्रिटिश, ठीक है, तो उनका रूल है, तो इसके लिए वो ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स है, क्लियर। देन वाइल इंडियंस इन द नेवी ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉट इन द नवाल वॉर इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये तो एयरफोर्स में, एयरफोर्स कहाँ पर लड़ी थी? आसाम एंड म्यांमार। और फिर नवाल फोर्स की बात हो रही है, नवाल फोर्स कहाँ कहाँ लड़ी है? बंगाल में। देखो हर तरफ से इंडिया का एफर्ट जा रहा है, हाँ समझ में आ रहा है ना। देन इंग्लैंड एक्सप्लॉइटेड इंडिया एंड इट्स रिसोर्सेज हैविली टू अचीव विक्ट्री इन दिस वर्ल्ड वॉर। इंग्लैंड ने क्या किया, इंडिया के जो रिसोर्सेज उसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना बेदर्दी से यूज़ किया, बेदरीक मतलब हद से ज़्यादा उसको खर्च किया, पैसे, फूड ग्रेन्स, फिर सोल्जर्स, हर चीज़ को, सिर्फ किस लिए? वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री के लिए। इतना सब नुकसान करने के बाद जो है उसने, उसका सिर्फ एक ही टारगेट था कि वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री मिल जाए। इंडिया बाय इटसेल्फ डिड नॉट हैव एनीथिंग टू गेन फ्रॉम दिस वॉर, बट इट वॉज पुल्ड इन फोर्सिबली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया कि इंडिया को कोई लेना देना नहीं था किसी कंट्री से, बट फिर भी इंडिया किससे ज़बरदस्ती इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ था, फोर्सफुली था वो, क्योंकि वो किसी कॉलोनी था? ब्रिटिशर्स के। और ब्रिटिशर्स किस में थे? वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर में थे, इसके लिए इंडिया को भी इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा। द ब्रिटिश फॉट देयर वॉर फ्रॉम द इंडियन लैंड। ब्रिटिशर्स ने कहाँ से लड़ाई की? इंडियन लैंड से लड़ाई की। फॉर देम इंडिया वॉज देयर कॉलोनी एंड दे टुक इट इन देयर राइट टू यूज इट एज अ सोर्स ऑफ सप्लाइंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फिर से वही बात है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, क्लोथ एंड अदर कमोडिटीज ऑफ डेली यूज टू देयर अलाइड नेशंस। देयर मतलब कि देखो यहाँ पर वही है, सेम जैसे वर्ल्ड वॉर वन में था, इंडियंस जो है सारी फूड ग्रेन्स हो गया और कपड़े वपड़े जो भी है सब इंडिया से जो है सप्लाई हो रहा है वॉर के सोल्जर्स के पास, और किस लिए? ताकि विक्ट्री मिल जाए। सेम एज वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू में भी इंडिया को यही सब फेस करना था। देन देयर वॉर सप्लाईज फ्रॉम इंडिया इंक्लूडेड, अब देखो जो वॉर सप्लाईज इंडिया से अब हो रही थी वो सब अंडरलाइन करो, डायनामाइट, टैंक्स, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शिप रिपेयरिंग, स्टील पाइप्स, स्टील बार्स एंड अदर मटेरियल फॉर लेइंग रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स, अब उस टाइम पर रेलवे ट्रैक्स भी बिछाई जाने लगी थी ना, क्योंकि रेलवे काफ़ी पावरफुल थी,
फास्ट थी और फिर अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन उससे हो सकता था, सोल्जर्स को फास्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था इसके लिए। देन ट्रेन बोगीज, वुड, टेलीग्राफ पोस्ट, स्मॉलर वॉरशिप्स एंड स्टीम शिप्स, फूड ग्रेन्स, क्लोथ, टेंट्स, शूज, मेडिसिन, एक्सप्लोसिव एंड एम्यूनेशन एंड सच थिंग्स। एग्जैक्टली जो ऐसे वर्ल्ड वॉर वन में चीज़ें थी वही सब इसमें भी है, कुछ और दो तीन चीज़ ऐड हुई है तो वो सब देख लेना। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा है कि उसमें नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ूँ ना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश सेवरल फैक्ट्रीज इन इंडिया टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ दीज मटेरियल्स। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उसने इंडिया में क्या किया, और फैक्ट्रीज बनाने, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि फैक्ट्रीज क्यों बनती थी, इन लोग अपने सामान स्टोर करते थे ना उसमें, क्योंकि काफ़ी दिनों तक के लिए रुकते थे इंडिया में और फिर जो है जाना होता था, उतने दिन में जितना सामान इनके पास रहता था वो सब फैक्ट्रीज में स्टोर होता था, तो और फैक्ट्रीज स्टोर की गई। क्यों? जब मटेरियल्स हैं इनके पास वॉर के और सब चीज़, वो सब चीज़ स्टोर करने के लिए और ज़्यादा फैक्ट्रीज बनाई गई। क्लियर? वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पर वर्ल्ड वॉर टू का। ड्यूरिंग वॉर टाइम इंग्लैंड फेल्ट एन इंक्रीजिंग नीड फॉर मैन पावर एंड मनी। वॉर टाइम पर इंग्लैंड को ये बात समझ में आया कि हमको ज़्यादा सोल्जर्स और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ऑफकोर्स वॉर हो रही है तो सोल्जर चाहिए और पैसा तो चाहिए ही। देयरफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगन रिक्रूटिंग आर्मी पर्सनल फ्रॉम इंडिया। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्मी के लिए इंडियंस को फिर से कन्विंस करना शुरू किया। वो कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि अगर आर्मी का जनरल या कोई आर्मी का जो हेड है वो कोई इंडियन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पार्टिसिपेट करेंगे ना, कि हाँ कोई हमारा हेड जो है वो इंडियन है तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं काम, ये वो, कोई हमको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा ये। तो इसके लिए उन्होंने एक ये चीज़ यूज़ की। देन एट टाइम्स द रिक्रूटमेंट वॉज एनफोर्स ऑन इंडियंस, एक्स्ट्रा टैक्सेस वर लेविड ऑन इंडियंस फॉर रेजिंग फंड। अब इंडियंस को पहले तो फोर्स किया जा रहा था कि आप लोग पार्टिसिपेट करो वॉर में, सोल्जर बनो, देन पैसा, जब अब ज़्यादा सोल्जर है तो आपको उतना खर्च भी तो करना है ना सोल्जर पर, उनको उतने यूनिफॉर्म, उनके फिर हथियार, वेपन, उनके फूड ग्रेन, सब चीज़ का ख्याल रखना है आपको, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा कैसे इन लोगों को मिल रहा था, जो इंडियंस थे अब जो नॉर्मल कॉमन पीपल है उन पर टैक्स लगा दिया ज़्यादा, अब लोग टैक्स तो पे करेंगे क्योंकि, और टैक्स किस पर लगाया जाता था, जो बेसिक नीड्स होती थी, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ पर टैक्स लगा दो जिसको लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अगर उसको नहीं यूज़ करें तो भी चल जाएगा, तो फिर क्यों लोग उसको खरीदेंगे, बनेगा इतना टैक्स नहीं खरीदना है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत कंपलसरी है आपके लिए, जैसे आपको खाना तो आपके लिए बहुत कंपलसरी है ना, आप नहीं खाओगे तो जी नहीं सकते आप, तो अब उस पर टैक्स लगा दिया तो आपको कुछ भी हो जाए आपको खरीदना तो पड़ेगा ही, और अगर आप खरीद रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से पैसा जो है उन लोगों ने बनाना शुरू किया आर्मी एक्सपेंसेस के लिए। देन टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वर रेड्स। टैक्सेस किस पर लगाए, ट्रेडिंग के लिए कितने सारे लोग आते थे इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज से और इंडियंस जाते थे, उस पर टैक्स लग गया। इंडस्ट्रीज, मैंने बताया ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रीज काफ़ी ग्रोथ कर रही थी ये सब वॉर की वजह से, तो इंडस्ट्रीज पर टैक्स लग गया। ड्यूरिंग द वॉर पीरियड प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ वेंट अप। एसेंशियल कमोडिटीज़, जो कमोडिटीज़ आपके जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उस पर टैक्स लगा दिया गया। अलॉन्ग विद द इन्फ्लेशन एंड हाइक इन प्राइसेस इंडियंस ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय इंडस्ट्रियल रिसेशन। अब देखो क्या हुआ कि इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस एकदम अचानक से बढ़ गई है तो लोग कैसे रहेंगे, कितनी प्रॉब्लम होने लगेगी ना, आप अचानक से जो चीज़ कल तक 10 रुपये की थी आज 100 रुपये की हो गई तो आप लोग एकदम परेशान हो जाओगे ना, ये कैसे हो गया। और ये बेसिकली क्या था, सिर्फ आर्मी एक्सपेंसेस निकालने का एक तरीका था। तो इससे क्या हुआ, इंडियंस को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लोगों के पास काम नहीं बचा, इतना पैसा अब जिसके पास रहेगा तो वही काम कर सकता है ना। अब अगर एक फैक्ट्री में 10 लोग काम करते थे, हर एक को रोज़ाना समझ लो 1000-1000 रुपये मिलते थे पैसे काम करने के, अब इतनी प्राइस बढ़ जाएगी जब असेंशियल कमोडिटीज़ की, तो जो फैक्ट्री का ओनर रहेगा वो अपने घर को संभालेगा या जो उसके काम करने वाले 10 लोग हैं उनको, तो डेफिनेटली वो उनको काम से निकाल देगा कि तुम लोग जाओ मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा। तो क्या हो गई, इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। तो ये एक रीज़न, ये सब देखो जो भी इम्पैक्ट हो रहा है सब
कॉमन पीपल को इनोसेंट्स को फेस करना पड़ रहा है. इंडियंस कुड सी दैट द एक्सप्लोटेटिव रूल ऑफ द ब्रिटिश वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस माइजरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स. इंडियंस को ये बात समझ में आ गई थी कि जो कुछ भी अब इंडिया फेस कर रहा है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतना प्रॉब्लम जो भी फेस कर रहा है इंडिया, वो सब एक्चुअली ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हैं, सिर्फ एक विक्ट्री के जो नशे में उन लोगों ने जो पॉलिसीज स्टार्ट कर दिए सारी, ये सब उसी की वजह से हम फेस कर रहे हैं. ओके, इंडियंस फ्रॉम ऑल स्टाटा ऑफ द सोसाइटी. स्टाटा का मतलब होता है पार्ट्स, मतलब इंडियन जो है सारी जो सोसाइटी के और जितने पार्ट्स थे सब, वो कौन कौन से, जैसे सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस हो जाते हैं ना, जैसे वर्कर्स, फार्मर्स एंड मिडिल क्लास, जॉइन इन लार्ज नंबर्स इन द नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. मतलब कि अब ब्रिटिशर्स इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इंडियंस ने क्या किया, अब एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया, और उस नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने, स्पेशल जो मिडिल क्लास से, वर्कर्स से, ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं को फेस करनी पड़ती है. ये लोग नॉर्मल होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, कॉमन होते हैं. सेप्टेम्बर 1939, अंडरलाइन इट, सॉ द एमर्जेंस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेप्टेम्बर 1939 में क्या हुआ, स्टार्ट हुई. इनिशियली इट वॉज इंग्लैंड एंड फ्रांस अगेंस्ट जर्मनी एंड इटाली. स्टार्टिंग में क्या था कि इंग्लैंड और फ्रांस किसके किसके अगेंस्ट थे, जर्मनी एंड इटाली के. व्हेन इंग्लैंड डिक्लेयर्ड, अंडरलाइन इट, हम व्हेन इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथगो अनाउंस दैट इंडिया आल्सो वाज जॉइनिंग द वॉर टू सपोर्ट इंग्लैंड. अगेन वही बात मैंने बताया कि इंडिया अनविलिंगली पार्टिसिपेटेड था. जब मैंने देखो, स्टार्टिंग में जो पोलैंड पर जर्मनी ने अटैक किया, तभी इंग्लैंड ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर अनाउंस की थी ना. जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया तो क्या हुआ, इंग्लैंड ने डायरेक्ट वॉर अनाउंस कर दी जर्मनी के अगेंस्ट. ओके, तो जब इंग्लैंड ने वॉर अनाउंस की, तो उस टाइम जो इंडिया में ब्रिटिश वाइसरॉय था, जनरल था, उसका क्या नाम था, लॉर्ड लिनलिथगो. इसने क्या किया, ये बात डायरेक्टली अनाउंस कर दी कि इंडियंस जो है वो इस वॉर में इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे. इंडिया की अभी कोई राय नहीं लिया है कि इंडिया क्या चाहता है, नहीं, डायरेक्ट बस इंडियन पार्टिसिपेट करने वाले हैं. द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वाइसरॉयज अनाउंसमेंट. उस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या था जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इस अनाउंसमेंट का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया. और ऑफकोर्स प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडियंस तो थोड़ी वॉर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे. द कांग्रेस वॉज अगेंस्ट द जर्मन एंड इटालियन आइडियोलॉजीज. एक तो उन लोगों ने जो वॉइसरॉय था उसको भी अगेंस्ट किया, दूसरा जो जर्मनी और इटाली था उनकी जो आइडियोलॉजीज थी. जर्मनी की आइडियोलॉजी क्या थी, नाजिज़म. इटाली की आइडियोलॉजी थी फैसिज़म. दोनों को ही इंडिया जो है अपोज करता था, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी को फॉलो करता था. इसके लिए इंडियन इसके इनके अगेंस्ट से, विच वर इंक्लाइंड टूवर्ड एग्रेसिव डिक्टेटरशिप एंड ऑल्सो अगेंस्ट इंग्लैंड्स कोलोनियालिज्म, इंक्लाइंड टूवर्ड इम्पेरियलिज्म. देखो, जर्मनी की जो आइडियोलॉजी थी वो डिक्टेटरशिप पर थी, जर्मनी एंड इटाली की, और इंग्लैंड की आइडियोलॉजी जो थी कोलोनियालिज्म की, वो इम्पेरियलिज्म पर बेस्ड थी ऑफकोर्स. तो इसके लिए इंडिया जो था वो ना इंग्लैंड के साथ था ना जर्मनी के साथ था, वो दोनों में से किसी के साथ नहीं, तो दोनों को वो अपोज कर रहा था. इंग्लैंड क्लेम दैट इट वॉज फाइटिंग फॉर प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी इन यूरोप. अब इंग्लैंड को तो इंडिया की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि इंग्लैंड को वॉर जीतनी थी. तो इंग्लैंड ने क्या किया, इंडियंस को ये कहा कि जो हम ये वॉर कर रहे हैं जर्मनी और इटाली से, ये एक्चुअली डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए है. जो यूरोप में डेमोक्रेसी है उसको सेव करने के लिए हमको वॉर करनी है. द इंडियन नेशनल कांग्रेस demanded that if England was true to its words, then it should immediately grant India's freedom. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो INC के लीडर्स, इन लोग ने क्या डिमांड की कि अगर तुम जो बोल रहे हो कि मतलब तुम यूरोप की डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए वॉर करना चाहते हो, अगर तुम अपनी बात के पक्के हो तो ठीक है, अगर तुम, हम इंडियंस तुम्हारी हेल्प करेंगे, बट बदले में तुमको इंडिया को फ्रीडम देनी होगी. ओके, देन क्या हुआ, देखो अभी इधर. द कांग्रेस ऑल्सो मेड अ कमिटमेंट दैट इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन
वुड हेल्प इंग्लैंड इन द वॉर अगेंस्ट जर्मनी. ऑफ कोर्स इंडिया ने क्लेम किया कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे अगेंस्ट जर्मनी में. इट वॉज ऑल्सो अनाउंस दैट इफ द एम्पेरियलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज टू प्रिवेल देन इंडियन विल नॉट हेल्प द ब्रिटिश. अगर आप लोग बाद में अपनी बात से मुकर जाते हो, मतलब अभी तो आप बोल रहे हो कि आप फ्रीडम दे दोगे, वॉर जीतने के बाद अगर आप लोग अपनी इस बात पर कायम नहीं रहते हो, अमल नहीं करते हो, देन क्या होगा, क्या होगा, देखो लिखा है वहाँ, इंडियंस विल नॉट, अब फिर हम इंडियंस जो है तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे. हाउएवर लॉर्ड लिलिथगो अनाउंस दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नॉट पॉन्डर अपॉन एनी ऑफ द इंडियन इश्यूज टिल द एंड ऑफ द वॉर. यानी कि लॉर्ड जो लिलिथगो था उसने ये बात अनाउंस की कि जब तक वॉर ख़त्म नहीं होती हम इंडिया के कोई भी मैटर को नहीं छेड़ेंगे. मतलब अभी इंडिया में जो भी अंदर जो कुछ भी चल रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑल, हम उसको कोई छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम आपकी बातों को ध्यान रखेंगे, वॉर ख़त्म होने के बाद आपको फ्रीडम दे देंगे. क्योंकि ऑफकोर्स अभी इंग्लैंड को एक ही चीज़ उसके दिमाग पर सवार थी, वो क्या था, उसको वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री चाहिए, जीतना है. Reacting to this announcement, the Indian National Congress decided not to participate in any of the task related to war. यानी कि जब अभी क्या हुआ कि लॉर्ड लिलिथगो ने क्या बोला कि हम इंडिया के कोई भी टास्क को नहीं देखने वाले हैं ना, अभी जब तक वॉर चल रही है. मैंने बताया ना, उन लोग का दिमाग पर सिर्फ एक ही चीज़ सवार थी कि हम लोग को विक्ट्री चाहिए. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने देखा कि ये लोग इतने सीरियस नहीं है, हमारे जो हम जो इनसे डिमांड कर रहे हैं उसको लेकर इतने सीरियस नहीं है, तो ऑफकोर्स INC के लीडर्स ने क्या किया, हम लोग वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. आप लोग अगर इस तरह से इतने लाइटली लोगे हमारी डिमांड्स को, तो हम लोग फिर आपके अगेंस्ट हैं. अबाउट द सेम टाइम, अब इसी टाइम पर क्या हुआ, जापानीज आर्मी रीच द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. जापानीज आर्मी, जापान की आर्मी क्या हुआ, कहाँ पर पहुँची, ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. अब देखो ये क्या था, There were thousands of volunteers who had joined this army. Thousands से भी ज़्यादा volunteers थे जो कि इस army में थे, Indians से सारे. They were the patriotic members of Azad Hind Sena. Underline it. They were the patriotic member थे, मतलब जो बोलते हैं ना देशभक्त होते हैं, ये patriotic member थे. कौन सी फौज के, आज़ाद हिंद सेना, आज़ाद हिंद फौज बोल दो. नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज देयर लीडर. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान में बनाई थी ना आज़ाद हिंद सेना इंडिया में लड़ने के लिए, तो वही वो जो आज़ाद हिंद सेना बनी थी वो जापान से इंडिया आई थी ईस्टर्न बॉर्डर पर. किसके लिए आई थी, इंडियंस के लिए आई थी, यूरोपियंस को हराने के लिए. हिज पॉलिसी, अब देखो सुभाष चंद्र बोस की पॉलिसी क्या थी. हिज पॉलिसी वॉज टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन टू मूव द इंडियंस फॉर इंटेंस अपोजिशन टू द ब्रिटिश वाइल द ब्रिटिश वर एंगेज इन द वॉर. अब क्या कर रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखे कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, इन लोग का भी पूरा फोकस किस पर है, वर्ल्ड वॉर पर है. इंडिया को अभी बिल्कुल लाइटली ले रहे, कुछ नहीं देख रहे. तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचे कि जब ये लोग वॉर में इन्वॉल्व हैं, इस टाइम इनका फ़ायदा उठाकर यहाँ से इनको हटाने की कोई कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूरी मिलिट्री कहाँ लगी हुई है अभी, वर्ल्ड वॉर में, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिलिट्री तो होगी नहीं, और आज़ाद हिंद सेना अभी बड़ी थी, ज़्यादा फौजी थे. और ये एक उनकी पॉलिसी थी कि उन्होंने ऐसा सोचा कि हम इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं. देन ही फेल्ट दैट इवन एनिमी ऑफ द ब्रिटिश मे बी अप्रोच फॉर हेल्प. उनको ऐसा भी माइंड में था कि अभी ब्रिटिशर्स जो लड़ रहे हैं अभी वर्ल्ड वॉर टू जिससे जर्मनी वगैरह से, तो हो सकता है वो लोग भी इंडियंस की हेल्प करने आ जाए. क्यों, क्योंकि वो लोग भी इंग्लैंड के अगेंस्ट है, और अगर इंग्लैंड को इंडिया से हटा देते तो इंग्लैंड को बहुत बड़ी हेल्प जो इंडिया से मिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी एकदम से. तो इसके लिए ये उनको ऐसा, सुभाष चंद्र बोस को ऐसा ऐसी उम्मीद थी, एक एक्सपेक्टेशन थी कि कोई और जो इंग्लैंड के अगेंस्ट कंट्री है वो हमारी हेल्प कर सकती है. इफ़ द नीड भी अगर ज़रूरत पड़ी तो. हालांकि आज़ाद हिंद फौज जो थी, सेना थी, वो इतनी बड़ी थी कि उसको ऐसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी अब, बट स्टिल उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो है हेल्प लेंगे ब्रिटिशर्स के जो अगेंस्ट कंट्री है. और ऑफ़ कोर्स अगेंस्ट कंट्री तो हेल्प करेगी ही, उनको तो ब्रिटिशर्स को हराना है,
देन आज़ाद हिंद सेना फॉट फर्स्टली फॉर अटेनिंग इट्स गोल दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. बहुत अच्छे से आज़ाद हिंद सेना लड़ी और कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपना इंडियन इंडिपेंडेंस में, एक बहुत अच्छा. देन टाइम क्या हो रहा है? ओके. इन द मंथ ऑफ अगस्त 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फाइनली कंक्लूडेड. कब खत्म हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एकदम खत्म हो गई. अब देखो, अंडरलाइन इट नाउ. इन दिस वॉर इंग्लैंड एमर्ज विक्टोरियस बट इट लॉस्ट हैवीली इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक कंडीशन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विनर कौन बना? इंग्लैंड बना. ऑफकोर्स इसी के पीछे तो भाग रहा था ना. विक्ट्री तो मिल गई बट स्टिल इंग्लैंड ने और क्या फेस किया? बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ्स का, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, इकोनॉमिक कंडीशन एकदम ख़राब हो गई इंग्लैंड की. एज अ रिजल्ट इंग्लैंड ग्रू वीकर. इंग्लैंड रिजल्ट में क्या हुआ? इंग्लैंड एकदम कमज़ोर होता चला गया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया नाउ अवेयर दैट इंडियन सोल्जर एंड पीपल आर नॉट मीक एंड सबमिसिव एज बिफोर. देखो अभी क्या हुआ, ये चीज़ ब्रिटिशर्स को समझ में आई कि अब जो है इंडियन सोल्जर और इंडियन पीपल जो हैं ये लोग पहले की तरह मीक नहीं है. मीक मतलब कि चुप नहीं है, खामोश नहीं है, क्वाइट नहीं है. अभी पहले कैसा था, ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनी बनाते चले गए लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था ना. सारे किंग लोग सरेंडर करते जा रहे हैं, सब कुछ नहीं, ज़्यादा थोड़ा बहुत लड़े और फिर ख़त्म. बट अब ये बात उन लोग के समझ में आई कि अब जो है ये लोग ऐसे खामोश नहीं रहेंगे और सबमिसिव नहीं है, सरेंडर नहीं कर देंगे इतनी आसानी से, लड़ेंगे ये लोग. और इंग्लैंड तो ऑलरेडी इतना कमज़ोर हो चुका है, अब लड़ने की तो ताकत बची नहीं है. तो क्या हुआ कि अब इंडियंस पर रूल करना, रूलिंग देम वॉज नो मोर ईजी. अब इतना आसान नहीं था. ऑफकोर्स इंग्लैंड की अपनी ही हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके इतने सोल्जर्स मारे गए, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब, तो वो अपनी कॉलोनी क्या संभाल पाता. ऑल्सो इंडिया वॉज नॉट गोइंग टू बी पेरेनियल सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर देम एज इट यूज टू बी. अब इंडिया भी ये बात डिसाइड कर चुका था कि अब जो है वो और ज़्यादा उसके लिए प्रॉफिट का सोर्स नहीं बनेगा. अभी तक क्या हो रहा था, इंग्लैंड को प्रॉफिट मिल रहा था ना इंडिया से, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो इंडिया, सोल्जर्स चाहिए तो इंडिया, रॉ मटेरियल चाहिए तो इंडिया, अपनी सरप्लस गुड बेचना है तो इंडिया, हर जगह इंडिया. तो अब इंडियंस भी ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब हम और ज़्यादा इनको प्रॉफिट नहीं देने वाले, अब हम लोग इनको निकाल देंगे इंडिया से. इट यूज़ देन दे डिसाइडेड टू रिटर्न होम. ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया कि अब वापस घर जाने का टाइम आ गया है. द टू वर्ल्ड वॉर्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ टू अ ग्रेट एक्सटेंट. दोनों वर्ल्ड वॉर क्या थी? ऑफकोर्स बहुत सारी लाइफ जो थी, बहुत सारी ह्यूमन लाइफ, बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी उसमें, मैट्रियर्स बने थे सारे. देन अंडरलाइन इट द अवेयरनेस दैट देयर शुड बी एन इफेक्टिव मेजर टू अवॉइड सच वॉर्स इन फ्यूचर मेड द विक्टोरियस नेशन क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लीग ऑफ नेशंस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये बात लोगों के समझ में आई थी ना कि ये वॉर कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी सब कंट्रीज़ को. तो क्या बनी थी? एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ना जो पीस क्रिएट करेगी वर्ल्ड में, लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस बनी थी, कब बनी थी? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. देन एंड यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. यूनाइटेड नेशन अभी तक चल रही है. यूनाइटेड नेशन अगेन, ये लीग ऑफ नेशन जैसी ही थी, इसके भी सेम मोटिव थे कि पूरी वर्ल्ड में पीस क्रिएट करना है, दो कंट्रीज़ के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको नॉर्मल मतलब सॉल्व करना है पीसफुली, ये सब उन लोग के टारगेट थे. तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या बनी? वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशन. याद रखना, वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशंस एंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस अभी तक के हैं. इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द वर्क ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया ने क्या किया, ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. बट इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है. ओके, 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन के, बट इंडिया इसमें नहीं है. ओके, इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल बी स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका. एनी डाउट? कुछ ऐसा है अभी नहीं समझ में आया? क्लियर है एकदम?
चलो ऑब्जेक्टिव देख लो एक्सरसाइज. व्हेन ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट सर्बिया इट वॉज डैश हु हेल्प्ड सर्बिया रशिया. द फर्स्ट एटम बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ डैश शिमा. कौन सी पेरिंग रॉन्ग है? अमेरिका वुड्रो विल्सन, इंग्लैंड विंस्टन चर्चिल. सही है सब. इटाली, इटाली में कौन था? मुसोलिनी. देन द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ नेशंस इंक्लूडिंग इंग्लैंड फ्रांस रशिया इटाली एंड अमेरिका अलाइड नेशंस. एंड द अनदर ग्रुप सेंट्रल पावर. सेकेंड वाला वही है आंसर, सेंट्रल पावर. राइट शॉर्ट नोट्स. उसमें जो सेकेंड शॉर्ट नोट है ना वो कट कर लो. ये डॉक्टर कॉटनिस पता नहीं कौन है. लीग ऑफ नेशंस पेज नंबर 64. लीग ऑफ नेशन का पैराग्राफ देखो वो पूरा. जो अंडरलाइन करवाई हूँ वो सब चीज़ ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना. ओके देन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट भी कैंसिल कर दो. हाँ और सेकेंड पे आओ. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया डिसाइडेड टू रिटर्न होम पेज नंबर 70. पेज नंबर 70 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, हाँ वो मैं बताती हूँ. इन द मंथ ऑफ अगस्त पेज नंबर 70 का फर्स्ट पैराग्राफ देखो. इन द मंथ ऑफ अगस्त वहाँ से लेकर रिटर्न होम पूरा पैराग्राफ ले लो. देन नेक्स्ट गिव द कॉजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर पेज नंबर एक मिनट पेज नंबर 64. कॉजेस है ना ब्लू कलर की हेडिंग वो ले लो. कहाँ से उसका पूरा फर्स्ट पैराग्राफ देखो. राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है द लीग ऑफ नेशन और एंड हो रहा है अगेंस्ट जर्मनी लेफ्ट हैंड साइड पर. मिल गया. देन Why did Indian people participate in the national movement in great numbers? इसके लिए आ जाओ पेज नंबर 69. पेज नंबर 69 पर ड्यूरिंग वॉर टाइम्स इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर उसके फर्स्ट पैराग्राफ है. ड्यूरिंग वॉर टाइम मिला, वहाँ से टिक मार्क करो. और जो पैराग्राफ है सेकेंड पैराग्राफ है उसमें देखो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल.